देवभूमि हिमाचल प्रदेश जो कि अपने जंगली खेतर की खूबसूरती कारण पूरी दुनिया च प्रसिद्ध है, परंतु उत्थे ही दूजे पासे हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा अधीन आते देरा खेतर च खैर माफिया रात के हनेरे च जंगल की सुंदरता नू ग्रहण लगा रहे हैं। ये खैर माफिया रात समय प्रशासन तो बेखौफ खैर के रुखा ते अपनियां कुलाड़ियां चलांदे होए कुदरत की सुंदरता नू खत्म करन ते तुले होए हैं, परंतु उन्हां ते भारी पै रहे हैं बहुत ही तेज तरार नौजवान DFO सनी वर्मा, जो कि बीते 6 महीनों तो लगातार अपनी टीम के नाल खैर माफिया ते नकेल कस रहे हैं। DFO सनी वर्मा की अगवाई च देरा खेतर च बीती रात खैर तस्करों की एक वड्डी कार्रवाई का पर्दाफाश किया गया है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया होया मौके ते पहुंचे BO सुनील ने कहा कि बीते 6 महीनों तो वन विभाग लगातार शक्की ते संवेदनशील जंगली खेतरां च जंगल माफिया ते नज़र रख रहा है, ते इसे तहत ही सनोर ते जंगल च सब तो वड्डी कार्रवाई नू अंजाम दिता गया है, जिथे कि ये तस्कर अद्धी रात नू खैर दे रुखां ते अपनी तस्करी नू अंजाम दे रहे सी। ते मौके ते वन विभाग की टीम पहुँच गई जिन्हां वल्लों 3 व्यक्तियों नू मौके तो काबू किया, परंतु 2 फरार हो गए। पर विभाग वल्लों लगातार 2 घंटे भज्जे हुए तस्करां की तलाश की, परंतु उदों तक वह फरार हो चुके सन, पर उन्हां वल्लों तलाश अजे भी जारी है। सुनील ने दस्सिया कि 1 रुख वन विभाग की जमीन ते 1 मलकीत की जमीन तो कटिया गया है, लेकिन मौका वारदात ते वन विभाग की टीम ने पहुँच के उन्हां नू काबू किया ते अगली कार्रवाई की जा रही है। बाकी तुसी भी देखो मेरा पंजाब न्यूज लई रजनीश ठाकुर स्टेट हेड की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार डेरा बीट का मैं प्रभारी हूँ जी। जैसे हम रात को आते हैं अपने निजी गश्त करते हैं रोज ही, जैसे पहले जहाँ पे खैर दौड़ान हुआ था वैसे रात को हम अपने गश्त पे रात को तकरीबन 12 बजे हम गाड़ी लेके आए, हमें देखे लगभग 2-3 बंदे भागे जहाँ से, तो हम अपनी सारी टीम को बुलाया और उनको ढूंढने में से हमने 3 बंदों को मौके पर पकड़ लिया, बाकी 2 बंदे अभी फरार हैं, उनको उनकी तब्दील चली हुई है, उनका हम ढूंढ रहे हैं, हो सकता है उनको जल्दी पकड़ लें। अच्छा सर, लगभग कितने कीमत आंकी जा रही है इन खैरों की? लगभग अगर इन दोनों खैरों को मिलाया तो लगभग 1 लाख के करीब इनकी कीमत है। अच्छा, दोनों की। अच्छा सर, एक मेरा प्रश्न है आपसे, जैसा कि ये बनकाटू जो बड़े सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, फॉरेस्ट विभाग और क्या अब इस पर कार्रवाई कर रहा है? वन विभाग लगातार लगा हुआ जहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे जैसे सक्रिय इनको हम पहले एक बार जहाँ घटना हुई थी अब दूसरी बार हमने इनको पकड़ लिया है। हाँ जी, हो सकता है इससे इनको थोड़ा डर पैदा हो और आपके सहयोग से हम ऐसा दौरा ना हो पाए। जहाँ पे थोड़ी बताएं पेड़ कहाँ कहाँ से कटाई किया, थोड़ा सा बता सकते हैं क्या है थोड़ा सा? हाँ जी, ये तो पेड़ अभी काट रहे थे ना, इसको भाजपा से भाग गए थे वो, अभी नीचे से काटा इसके अगर टुकड़े करने थे हमने, अब एक ही 20 की हो जाए हम यहाँ पहुँचे तो हमें देखे ये बात, इसके बाद पकड़ा के फिलहाल इन्होंने अब इसके पोछे करने से फिलहाल एक ही ना होती है, वजह से काटा ही हुआ नीचे से। अच्छा।